हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज आम का सीजन अब जाने वाला है तो हम लोग थोड़ा सा अमाउट बना लिया जाए कि जब आम नहीं मिलेगा तो अमाउट खाया जाएगा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, एक किलो आम है ये पका हुआ, और इसको पहले हम खूब साफ धुल लेंगे। पहले इसको खूब साफ धुल के तब सूती कपड़े से इसको पोंछ लिया जाएगा। आम का ध्यान रहे कि आम थोड़ा मीठा रहता है तो अमाउट बढ़िया बनता है। ये देखिए, गुदे वाला आम है, कोई भी आम रहे, बस ये ध्यान रहे कि आम थोड़ा मीठा रहे। मीठे आम का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। एक किलो आम का अमाउट मैं बनाने जा रही हूँ। अब इसको खूब पोंछ लिया, काटन कपड़े से खूब पोंछ लिया जाएगा। पहले अब इसको चाकू से छील के गुद्दा निकाल लिया जाएगा। आम बहुत टेस्टी होता है, इसका अमाउट बहुत अच्छा होता है। अब इसी तरह से इसमें बर्तन में निकाल के जब सब गुद्दा निकल जाएगा तो इसको मिक्सी में चला के पीस लिया जाएगा। अब एक एक करके सब आम का गुदा हम निकाल लेंगे इसी तरह से। ये सब आम छीलकर इसका गुदा निकाल लिए हैं। अब निकाल के अब मिक्सी के जार में अब इसको डाल दिया जाएगा। अब इसको हम चला देंगे। चलाने के बाद से तब बता रहे हैं आपको कढ़ाई में कैसे डाला जाए। एक किलो आम ये छीलकर मिक्सी में पीस लिया गया है। ये कितना बढ़िया गाढ़ा और बहुत अच्छा तैयार हुआ है। और इसमें जो है, इसमें मुश्किल से जो है 50 ग्राम चीनी है। ये 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं रहेगा, ये तो आम का टेस्ट पता नहीं चलेगा। ये चीनी डालने से अमाउंट बहुत दिन तक टिका रहता है, ख़राब नहीं होता। ये चार छोटी इलायची है, इसको केवल दरदर करना है, इसको बारीक नहीं करना, दरदर कर दिए हैं। अब ये कढ़ाई गर्म करके अब इसमें इसको डाल देना है। ये अब इसको धीमे धीमे आंच पर चलाया जाएगा। जब पकने लगेगा तब इसमें हमको चीनी डालना, अभी नहीं चीनी डालना है। अभी इसको धीमे धीमे आंच पर ऐसे पकाया जाएगा। इसको आंच बहुत तेज़ नहीं करना है, नहीं जलने लगेगा, नीचे कढ़ाई में पकड़ लेगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। धीमे धीमे चलाएंगे इसको हम। एक चम्मच घी मैं डाल के थाली में लगा दे रही हूँ नीचे, जिसे चिपके ना। एक चम्मच घी इसमें डाल के पूरा फैला दी है। अब देखिए 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट हो गया है, अब ये पक गया। अब इसमें आपको चीनी डालना है, 50 ग्राम चीनी है, ये इसको डाल दिया जाएगा। अब छोटी इलायची चार रखे हैं, इसको दरदरा कर लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। अब इसको चला के इसको थोड़ी देर और 5 मिनट और इसको हम मिला देंगे। चीनी जब गल जाएगी, कलर आ जाएगा, तब इसको थाली में जमा दिया जाएगा। अभी चलाते रहेंगे हम बराबर कि नीचे से पकड़े नहीं। तैयार हो गया है, 10 मिनट पहले पकाए हैं, 5 मिनट चीनी डालने के बाद कुल 15 मिनट में ये तैयार हो गया है। अब इसको थाली में घी लगाए हैं, अब उसी में इसको डाल देना है।
अब इसको पतला फैला दिया जाएगा और इसको दो दिन धूप में सुखाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे आप पंखे में भी रख के सुखा देंगे ये सूख जाएगा, क्योंकि पका हुआ है तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। फिर हम अपने मन के हिसाब से बर्फी काटें या चौकोर पीस काटें, काट के अपना इसको रख देंगे डिब्बे में करके। तो जब आम ख़त्म हो जाए आम का सीज़न तो इसको आप खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मावट जो है तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें एक दिन और धूप लगाना है। तो अब इसको ऐसे अपने इच्छा अनुसार बड़ा टुकड़ा, बड़ा पीस, छोटे पीस में इसको ऐसे काट दिया जाएगा। देखिए ये काट दिया जाएगा। अब थोड़ा हम बड़ा ही बड़ा काट रहे हैं, बड़े बड़े पीस में ही। देखिए अब जितना आप आपकी इच्छा जितना रहे उतना बड़ा बड़ा आप काट दें। अभी हम चौकोर पीस काट रहे हैं। चौकोर पीस हमारा अच्छा लगता है, मन करे आपके बर्फी के आकार में काटें, लेकिन ये हम चौकोर पीस में इसको काट रहे हैं। ये अमावट जो है बन के तैयार हो गया है। इसको पतला ही हम बनाए हैं क्योंकि बहुत आराम से सूख भी जाता है ये। अब बहुत अच्छा बना है, मन चाहे आकार में काट दिए हैं इसको हम। और देखिए कितना बढ़िया ये तैयार हो गया। अभी इसको हम एक दिन धूप में और सुखाएंगे, सुखा के तब चौड़े मुँह के बर्तन में, किसी भी शीशे के जार में चौड़े मुँह के बर्तन में इसको रख दिया जाएगा। उसके बाद एक साल तक आप आराम से खाइए, बीच बीच में थोड़ा कभी कभी धूप इसको दिखाते रहिए। देखिए कितना बढ़िया बर्फी, क्या ये कितना बढ़िया चौकोर चौकोर पीस हम काटे हैं। देखिए कितना मुलायम, कितना साफ, ये देखिए कैसे बना हुआ है अमावट। अब बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। चीनी हम कम डालते हैं, जिसे शुगर किसी को वो भी खा सके, तो बहुत कम चीनी डाले हैं, इसलिए कि चीनी डालने से अमावट ख़राब नहीं होता है, इसलिए थोड़ा डाल दिया जाता है। अब ये देखिए ये अमावट बन के तैयार हो गया है। और आप लोग भी जब आम घर में रहे, घुला रहे, या थोड़ा सा बाज़ार से आम लेके, लेकिन ये ध्यान रहे कि आम मीठा होना चाहिए। तो देखिए ये बन गया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हमें भी खुशी मिले। धन्यवाद।